आज का हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन पे ही है। इससे पहले के सेक्शन में हमने अबॉर्शन के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट डील किया था और वहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था। जो अबॉर्शन के क्लासिफिकेशंस थे उनमें स्टार्ट हमने किया था विद स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जिसमें फर्स्ट दो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस थे थ्रेटेंड और इनएविटेबल। ओके, सो थ्रेटेंड अबॉर्शन और इनएविटेबल अबॉर्शन के बारे में हमने डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस किया। अब हम थर्ड अबॉर्शन के बारे में डील कर रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीट अबॉर्शन। ओके, सो कम्प्लीट अबॉर्शन एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कम्प्लीट अबॉर्शन एक वो कंडीशन है जब अबॉर्शन का प्रोग्रेस हो जाता है किसी प्रेग्नेंट वुमन में और पूरा जो फीटस है वो कम्प्लीटली बाहर आ जाता है। सो दैट टाइप ऑफ अबॉर्शन इज़ नोन एज कम्प्लीट अबॉर्शन। ओके, सो when we look at the definition, it goes like when the product of conception are expelled out completely, and next हम बात करते हैं clinical features के बारे में। So clinical features में क्या क्या clinical features नज़र आते हैं उन pregnant mothers में जिनका complete abortion हो गया है, ठीक। So the first thing is expulsion of a fleshy mass, एक mass, flesh का mass जो है, जिस जो ovum है या जो zygote है वो क्या हो जाता है, नॉट ओवम सॉरी zygote जो है वो पूरा का पूरा जो है वो पर वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है मदर के। सो दैट इज़ एक्सपल्शन ऑफ द फ्लैशी मास पर वजाइनम। साथ ही साथ हम लास्ट पॉइंट देखेंगे कि जब हम एग्जामिनेशन करते हैं इस फ्लैशी मास का, तो ये पाया जाता है कि जो एक्सपेल्ड मास है वो कम्प्लीट है। कम्प्लीट है मतलब कहीं से भी ब्रोकन नहीं है, पूरा सैक के साथ, शाइनी सैक होगा उस पूरे सैक के साथ पूरा मास है, तो उससे हमें पता चलता है कि कंप्लीट है। सो अगर एग्जामिनेशन करते वक्त अगर ये फ्लैशी मास जो है वो ब्रोकन पाया जाता है या कंप्लीट नहीं दिखता है, टुकड़ों में नज़र आता है, तो हमें डाउट होना चाहिए कि ये कंप्लीट नहीं है, हो सकता है ये इनकम्प्लीट है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो अबडोमिनल पेन हो रहा होगा, क्योंकि हो सकता है कि कंप्लीट अबॉर्शन से पहले थ्रेटेंड अबॉर्शन के फीचर्स हो सकते हैं कि मदर में एग्जिबिट हो, या किसी तरीके का पेन फील हो रहा होगा जस्ट अबॉर्शन से पहले। तो जैसे ही कंप्लीट अबॉर्शन हो जाता है, जैसे ये फ्लैशी मास एक्सपेल हो जाते हैं, उसके बाद उन मदर में, प्रेग्नेंट मदर में जो अबडोमिनल पेन हो रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, या बहुत ज़्यादा हल्का, मतलब बहुत हल्का, जिसको हम ट्रांस कहते हैं, या फिर बिल्कुल एब्सेंट हो जाता है। ओके, साथ ही साथ हम देखते हैं कि विजाइनल ब्लीडिंग का भी सेम हिसाब है अबडोमिनल पेन की तरह, कि विजाइनल ब्लीडिंग भी पूरी तरीके से एब्सेंट हो जाएगा या ट्रांस हो जाएगा। साथ साथ अगर हम यूट्रस के साइज़ की बात करें, तो हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का जो साइज़ है वो करस्पॉन्ड करता है टू द पीरियड ऑफ एमेन्यूरिया। एमेन्यूरिया इज़ अ कंडीशन व्हेन द मदर इज़ नॉट हैविंग, प्रेगनेंट मदर इज़ नॉट हैविंग मेंस्ट्रुएशन, जो प्रेगनेंसी में नहीं होना चाहिए, ठीक। सो एमेन्यूरिया का जितना पीरियड ऑफ टाइम है, जितने वीक्स का एमेन्यूरिया है, उसी से करस्पॉन्ड करता है कि यूट्रस का साइज़ क्या होगा। लेकिन जब गायनेकोलॉजिस्ट चेक करते हैं तो पता चलता है कि एमेन्यूरिया, पीरियड ऑफ एमेन्यूरिया के बराबर का यूट्रस का साइज़ नहीं है, यूट्रस का जो साइज़ है उससे कम है, ठीक है। सो यूट्रस इज़ स्मॉलर दैन द पीरियड ऑफ एमेन्यूरिया एंड अ लिटिल फर्मर। अगर आप प्रेगनेंसी कंडीशन का याद करेंगे, डायग्नोसिस में हम पढ़ते हैं कि जो यूट्रस है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पे यूट्रस सॉफ्ट होने की जगह, यूट्रस और जो यूट्राइन वॉल है वो सॉफ्ट होने की जगह फर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होते हैं। ओके, एंड द सर्वाइकल ओस इज क्लोज्ड। सो इफ़ यू रिमेंबर, हमने इनएविटेबल अबॉर्शन में पढ़ा था कि जो सर्वाइकल ओस है, इंटरनल सर्वाइकल ओस जो है वो भी खुला हुआ पाया जाता है, डायलेटेड पाया जाता है। यहाँ पे एक बार फ्लैशी मास अगर एक्सपेल हो गया तो सर्वाइकल ओस जो है वो क्लोज हो जाते हैं। सो क्लोज्ड सर्वाइकल मास with expulsion of flesh is an indication कि this is a complete abortion, okay? And last point हम already deal कर चुके हैं कि जो expelled mass है वो complete है, okay? Intact है, okay? Now अगर हम management की बात करें, तो यहाँ पर अगर doubt होता है, क्योंकि वैसे तो examination के दौरान पता चली जाता है कि the fleshy mass is complete, लेकिन अगर doubt हो रहा है कि fleshy mass complete नहीं है, uterine cavity में कुछ रह गया है, तो उसके लिए क्यूरेटेज करके देखा जा सकता है, डायलेट करके, इवैक्यूएशन करके, डायलेट करके क्यूरेट करके देखा जाता है और इवैक्यूएशन किया जाता है, इफ़ देयर इज़ एनी डाउट।
ओके. सो इसके अलावा यहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. प्रॉपर रेस्ट और आईवी फ्लूइड्स अगर ज़रूरत हो तो लगाया जाता है, या फिर इनटेक के लिए बोला जाता है प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए. साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ केस वेयर द मदर इज़ आरएच नेगेटिव. ठीक है, अगर जो प्रेग्नेंट वुमन है वो आरएच नेगेटिव हैं और उनके हस्बैंड जो हैं वो आरएच पॉजिटिव हैं, लाइक मदर बी नेगेटिव हैं और फादर जो हैं वो बी पॉजिटिव हैं या ओ पॉजिटिव हैं, तो दैट पॉजिटिव इज़ एन आरएच पॉजिटिव सेक्शन. सो अगर फादर पॉजिटिव हैं और मदर नेगेटिव हैं तो बेबी में चांसेस हैं कि बेबी पॉजिटिव हो सकते हैं. ठीक है, सो एक आरएच नेगेटिव मदर के यूट्रस में आरएच पॉजिटिव बेबी होना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए. उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर बेबी चांसेस हो सकते हैं ना कि बेबी नेगेटिव हो, बेबी पॉजिटिव हो, तो आरएच नेगेटिव मदर्स को एंटी डी गामा ग्लोबुलिन का मेडिकेशन इंजेक्शन दिया जाता है. सो ये इंजेक्शन जो है वो 72 आवर्स के अंदर अंदर दिया जाना चाहिए जब अबॉर्शन हो रहा है या जब क्यूरेटेज किया जा रहा है. वो इसीलिए कि अगर उस फीटस का, क्योंकि चांसेस हैं कि फीटस पॉजिटिव होंगे, तो फीटस का अगर ब्लड मदर की यूट्राइन कैविटी में चला गया हो तो मदर के यूट्राइन कैविटी में उस ब्लड की वजह से इस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडीज बन सकते हैं जो आगे की प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो इसके लिए हम तुरंत 72 आवर्स के अंदर अंदर एंटी डी गामा ग्लोबुलिन देंगे. लेकिन अगर ये 12 वीक से कम की प्रेगनेंसी थी और यहाँ पे किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया गया है और चांसेस नहीं है कि कहीं कट लगा हो, तो फिर एंटी डी गामा ग्लोबुलिन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें चांसेस बहुत कम हैं कि बेबी का ब्लड जो है वो मदर की यूट्राइन कैविटी में गिरा हो सकता है. ठीक, सो अगर 12 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी थी और तब बेबी अबॉर्ट हुए हैं तो आप एंटी डी गामा ग्लोबुलिन देना याद रखेंगे आरएच नेगेटिव मदर्स में. और अगर 12 वीक से कम प्रेगनेंसी है और साथ साथ किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया है, डायलिटेशन नहीं किया है, क्यूरेटेज नहीं किया है, तो फिर एंटी डी गामा ग्लोबुलिन ज़्यादातर नहीं दिए जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कम्प्लीट अबॉर्शन. नेक्स्ट वील बी डीलिंग अबाउट द इनकम्प्लीट अबॉर्शन. नाउ इनकम्प्लीट अबॉर्शन is when the entire product of conception has not come out, something is left inside the uterine cavity. Okay, so usko hum incomplete abortion bolenge. So incomplete abortion ke kuch clinical features ke bare mein baat kar lete hain. Yahan pe pain ka jo criteria intensity hai wo continued rehta hai jaise pehle tha. Kuch fleshy mass ke nikalne ke bawajood bhi pain waisa hi rehta hai, aur zyada tar yahan pe pain kaise ho jate hain, colicky mat साथ साथ जो इंटेंसिटी है वो हो सकता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो जाए. ओके, देन पर्सिस्टेंस ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग इन वेरिंग अमाउंट. यहाँ पे ब्लीडिंग भी रहेगी जबकि कंप्लीट अबॉर्शन में ब्लीडिंग और पेन जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है. यहाँ पे जो यूट्रस का साइज़ है वो क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा. कंप्लीट अबॉर्शन में भी छोटा ही था, यहाँ पे भी छोटा ही, क्योंकि प्रेगनेंसी प्रोग्रेस नहीं हो रही है. ठीक है, यहाँ पे सर्वाइकल ओज जो है वो बिल्कुल क्लोज नहीं होते हैं, वो एक फिंगर को एडमिट करने जितना ओज जो है वो डायलेटेड रहता है. इसलिए कहा गया है कि पैटुलस सर्वाइकल ओज एडमिटिंग टिप ऑफ द फिंगर, एक टिप ऑफ द फिंगर. नाउ नेक्स्ट वन इज़ अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जो है वो वैरिड रहेंगे. ये इंटरनल एग्जामिनेशन के दौरान पता चलता है कि जो ब्लीडिंग इंटरनल एग्जामिनेशन करते वक्त आपको अगर ब्लीडिंग के इंसिडेंसेस दिख रहे हैं तो वो डिफरेंट अमाउंट में हो सकते हैं, किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, किसी वक्त में ज़्यादा हो सकता है, पता चले कि थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग जो है वो बिल्कुल रुक जाए. सो एक वैरिंग अमाउंट में ब्लीडिंग रहता है. साथ साथ जो एक्सपेल्ड फ्लैशी मास है वो कैसे रहते हैं, इनकम्प्लीट. वो देख के समझ में आ जाता है कि टुकड़े टुकड़े में फ्लैश बाहर आया है वजाइना के थ्रू, तो देर इज़ समथिंग लेफ्ट इनसाइड द यूट्रस. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द इनकम्प्लीट अबॉर्शन. इनकम्प्लीट अबॉर्शन का जो मैनेजमेंट है उसमें
में क्योंकि हमें पता है कि समथिंग इज़ लेफ्ट इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, तो यूट्रस को डायलेट किया जाता है जनरल एनेस्थीशिया देकर, यूट्रस को डायलेट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से, देन उसको क्यूरेट किया जाएगा, स्क्रैप ऑफ किया जाता है पूरे वॉल में से जो भी फीटस का पार्ट रह गया है, और फिर उसके बाद उसको सक्शन कर कर इवैक्यूएट किया जाता है. सो दैट इज़ डायलिटेशन, इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटेज. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इनकम्प्लीट अबॉर्शन. नाउ द थर्ड टाइप टुडे वी विल बी डीलिंग अबाउट द मिस्ड अबॉर्शन. मिस्ड अबॉर्शन जो कंडीशन है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बेबी जो है, मतलब फीटस जो है, वो यूट्राइन कैविटी में डेड हो चुके हैं, लेकिन वो वहीं रह गए यूट्राइन कैविटी में, वो वजाइना के थ्रू बाहर नहीं आए हैं, और काफ़ी दिनों तक मदर को पता नहीं चला है. ठीक है, सो उस पॉइंट को हम कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन. मिस्ड अबॉर्शन जो है उनको साइलेंट मिसकैरेज भी कहा जाता है. सो व्हेन द फीटस इज़ डेड एंड रिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस फॉर अ वेरिएबल पीरियड, दैट इज़ कॉल्ड एज द मिस्ड अबॉर्शन. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स में हम देखते हैं कि थ्रेटेंड अबॉर्शन के जो सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं जो हमने इससे पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था, उसके कुछ फीचर्स नज़र आते हैं मिस्ड अबॉर्शन में भी. साथ ही साथ मतलब स्लाइट ब्लीडिंग हो सकता है, या फिर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, कॉलिकी हो सकता है, साथ साथ वजाइना से डिस्चार्जेस आ सकते हैं जो ब्राउनिश कलर के होंगे, और जिनका स्मेल जो है वो बहुत बैड स्मेलिंग या फाउल स्मेलिंग हो सकता है. वो इसलिए क्योंकि जो फीटस हैं उस फीटस की डेथ हो चुकी है यूट्राइन कैविटी में, तो धीरे धीरे जब डीजनरेशन होगा तो ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज आ सकता है, ब्लड के साथ या ब्लड के बिना भी. ओके, साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो अचानक बंद हो जाते हैं, तो मदर को पता नहीं है कि बेबी डेड हो चुका है, मदर को लगता है कि मदर अभी भी प्रेग्नेंट हैं, लेकिन जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स उस ट्राइमेस्टर में होने चाहिए, उस टाइम पीरियड में होने चाहिए, वो अचानक से क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. ओके, क्योंकि बेबी डेड हो चुके हैं, तो देर इज़ नो प्लासेंटा अलाइव, देर इज़ नो फीटस अलाइव, सो देर इज़ नो हार्मोनल एक्टिविटी, सो देर आर नो सिम्टम्स ऑफ दी प्रेगनेंसी. ओके, साथ ही साथ जो यूट्राइन ग्रोथ है, यूट्रस का जो साइज़ है, उसकी ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाती है. सिजेशन का मतलब है स्टॉप हो जाना, तो यूट्रस साइज़ में बड़ा नहीं होता है, जिस पॉइंट पे है वहीं पे उसका साइज़ जो है वो वहीं पे रुक जाता है, और फिर धीरे धीरे साइज़ स्मॉल होना स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पे कंप्लीट या इनकम्प्लीट की तरह बिल्कुल कम होना स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी बेबी यूट्रस में है, इसलिए यूट्राइन साइज़ बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, बस यूट्राइन ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा और साइज़ में बढ़ेंगे नहीं, साइज़ में बेशक सेम रहेंगे. ओके, देन जब इंटरनल एग्जामिनेशन में आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि सर्विक्स जो है वो फर्म हो गया है, जबकि सर्विक्स कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए. साथ ही साथ एग्जामिनेशन के दौरान पता चलता है कि डॉपलर वगैरह करते हैं तो पता चलेगा कि फीटल हार्ट साउंड ऑडिबल नहीं है. ठीक है, सो जब बेबी अलाइव नहीं है तो बेबी का हार्ट बीट भी नहीं सुनाई देगा. तो जब फीटल हार्ट साउंड सुनाई नहीं देता है और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, साथ साथ फाउल स्मेलिंग ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है और फिर पेन बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि समझ में आए कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम है. फिर सोनोग्राफी कर ये डायग्नोस किया जा सकता है कि मिस्ड अबॉर्शन है या नहीं है. ओके, सो यहाँ मैनेजमेंट में हम इवैक्यूएशन कर उस बेबी को निकाल लेंगे जो बेबी डेड हो चुका है. सो अगर लेस देन 12 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो इजी वेजाइनल इवैक्यूएशन किया जा सकता है डीएनसी कर. लेकिन अगर 12 वीक्स से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो फिर क्योंकि बेबी थोड़ा और बड़ा साइज़ का होगा तो उसको निकालना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, तो उसकी डिलीवरी कराई जाती है. तो उसके लिए पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाना पड़ेगा. सो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है 10 to 20 यूनिट्स को 500 ml के NS में डाइल्यूट किया जाता है और ड्रिप स्टार्ट किया जाता है प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में, एंड देन कुछ 30 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से चलाया जाता है. ओके, सो इससे धीरे धीरे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे और उससे बेबी विल कम आउट. ओके, साथ ही
साथ प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ किया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के थ्रू तो दिया जा सकता है, साथ ही साथ इसके टैबलेट्स यूज़ किए जाते हैं, मिसोप्रोस्टॉल। हम इसके बारे में फार्माकोलॉजी इन ऑब्स्टेट्रिक्स में पहले डील कर चुके हैं, आप एक बार उन सेक्शंस को फिर से रिव्यू करिए ताकि आपको एक बार याद आ जाए कि ये सारे मेडिकेशंस किस लिए यूज़ किए जाते हैं। सो मिसोप्रोस्टॉल जो है वो 200 माइक्रोजी का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ये कुछ 4 आवर्स के गैप में कम से कम 5 टैबलेट्स वेजाइनल फॉर्निक्स में रखा जाता है और ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शंस को फैसिलिटेट करेंगे। ओके, सो ये तरीका हो सकता है जिससे 12 वीक्स के बाद बेबी को बाहर निकाला जा सकता है जो फीटस ऑलरेडी डेड हो चुका है। ठीक, सो क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में अभी तक हमने थ्रेटेंड अबॉर्शन के बारे में, इनएविटेबल अबॉर्शन के बारे में, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और फिर मिस्ड अबॉर्शन के बारे में डील किया। आगे के क्लासिफिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। सो अभी के लिए आप इस चीज़ को गो थ्रू करिए एंड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।